हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के डिबे। तो देखिए, आज मैं आपको पांच ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, किचन ट्रिक्स। तो ये किचन का काम और भी आसान कर देगा और बहुत ही अच्छी टिप्स है और बहुत ही आसान टिप्स है। तो चलिए, मैं आपको बताने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ट्रिप्स है। तो सबसे पहले ट्रिप्स मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी जैसे चावल, मैदा, बेसन, जैसे वो चीज़, जैसे अपन चावल को धूप में नहीं दे सकते, चावल को धो के नहीं रख सकते, तो ऐसी चीज़ है तो इसको स्टोर कैसे करें। तो जैसे साल, डेढ़ साल के लिए, साल भर के, मानो अपन साल भर के लिए स्टोर करके रखते तो इसको धूप में भी नहीं दे सकते, उसको जैसे भूंद के भी नहीं रख सकते। तो जैसे दाल वगैरह है तो उनको अपन भून के रख देते या उसको धूप में दे के, अच्छे धूप दे के रख देते। तो इसकी बहुत ही आसान मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ। जैसे आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे भी मार्केट में भी, जैसे गोली वगैरह मैं आपको आगे बताऊँगी, वो भी देखिए आ रही है आजकल अनाज में और देने की, वो भी चल रहे हैं। पर मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रही हूँ, वो है तेज़पत्ता। तो तेज़पत्ता देखिए सभी की किचन में मिल जाता है, आजकल लगभग सभी की किचन में तेज़पत्ते मिल जाते हैं। तो तेज़पत्ते ये बहुत ही एक तरीका है कि मैंने खुद ने अपनाया है कि तेज़पत्ता लगा कि, और आप ऊपर जैसे न्यूज़पेपर होता है उसको फोल्ड करके आप लगा के रख दो। और या आपको ज़्यादा सामान है, जैसे 10 किलो चावल है तो उसके डिब्बे के नीचे पेपर लगा दो और ऊपर लगा दो। तो जैसे देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये गोली वगैरह वो भी आती है, ये भी आप अनाज में दे सकते हैं। पर उसको क्या होता है कि जैसे कोई कपड़े के अंदर बांध के वैसे देना पड़ता है, ऐसे ही अपन गोली को और दे देते तो कोई अच्छे से ध्यान नहीं करे तो कोई चावल के अंदर या दाल के अंदर आ सकती है। तो ये एक आसान तरीका है। तो देखिए, मैंने डिब्बे से चावल आधा बाहर निकाल लिया और नीचे मैं लगा देती हूँ इसके तेज़पत्ते। तो इसी तरीके से मैं डिब्बे के अंदर 2-3 परत के अंदर तेज़पत्ते लगा देती हूँ। जैसे थोड़ा सा चावल डाला और फिर लगा देती हूँ, इसी तरीके से जैसे बेसन के अंदर या मैदे के अंदर, कोई छोला वगैरह उसके अंदर जो चीज़ है कि अपन उसको चावल, जैसे चावल वगैरह उसको धूप में दे, उसी चीज़ के अंदर ऐसे तेज़पत्ते लगा के और ऊपर जैसे फोल्ड करके, जैसे न्यूज़पेपर को 4 परत या 5 परत के फोल्ड करके ऊपर पेपर लगा देना है और फिर आपको ऊपर डिब्बे के ढक लगा के बंद करके आपको रख देना है। जैसे हवा क्रॉस नहीं होएगी, जैसे नमी नहीं आएगी, तो नमी नहीं आएगी तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी। तो ये देखिए, न्यूज़पेपर ले लिए। तो चलिए, मैं आपको एक डिब्बा बता देती हूँ जैसे चावल के। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ को, जैसे मैदे को, उनको सूजी, तो चलो सूजी को तो भून के भी आप रख सकते हैं, पर सूजी को, सारी चीज़ को इसी तरीके से स्टोर करके रखती हूँ तो बिल्कुल भी जैसे नमी नहीं आती है तो वो चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसमें कोई भी जैसे कीड़े की और कोई वो नहीं होती है कि इसमें कीड़ा गिर जाएगा और होता है। और बीच में, चलिए आप जैसे महीने में 20 दिन में आप एक बार इस चीज़ को आप बीच में संभाल लीजिए तो इसी तरीके से आप स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो वही सेम तरीका है जैसे मैं चावल में बताया, वही सेम तरीका ये जैसे बेसन के अंदर और मैदे के अंदर मैं अपना लेती हूँ। तो दूसरा तरीका ये है, जैसे अपन कोई भी सामान लेके आते हैं तो डिब्बों के अंदर डाल देते हैं तो एक्स्ट्रा सामान, थोड़ा थोड़ा सामान पन्ने के अंदर बच जाता है। तो जैसे ऐसे ही आप पन्ने को रख दोगे कहीं इकट्ठे करके तो वो सिलन भी आ सकती है और वो वापस चीज़ अच्छे से मिलती भी नहीं है। तो आप क्या करना है, जैसे फोल्ड करके पन्ने को और ऊपर रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं या आपके पास सेलो टेप, आप सेलो टेप लगा के वैसे भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से पन्ने को फोल्ड करके और आप सेलो टेप लगा के रख दीजिए या आप रबड़ बैंड लगा के रख दीजिए। तो ये सामान भी तो आराम से, जैसे एक जगह आप ऐसे फोल्ड करके रख दोगे तो ये सामान भी तो आराम से मिल जाएगा और ये सामान ख़राब भी नहीं होगा और इधर उधर कहीं बिखरने का भी भय नहीं रहता कि ये इधर उधर कहीं बिखर जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने बिस्किट डाला, चीनी डाली, जो भी सामान डिब्बों के अंदर डाला तो थोड़ा थोड़ा सामान ये क्या पन्ने के अंदर बच जाता है। तो इसके ऊपर भी रबड़ बैंड लगा देती हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने
जैसे कोई एक्स्ट्रा सामान होता है कि काफ़ी दिन इसको यूज में नहीं लेना है, उसके मैंने सेलो टेप लगा कि वो अच्छे से बंद करके पैक करके वैसे भी मैंने रख रखा है। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से मैं सारा सामान पे ये रबड़ बैंड लगा के और रख लेती हूँ, और कोई भी जैसे बाउल के अंदर या डिब्बे के अंदर एक साथ डाल के रख देते तो ये सामान आराम से वापस मिल जाता है, कहीं इधर उधर एक दूसरे के अंदर मिलता भी मिक्स भी नहीं होता है। तो ये तो हो गया दो तरीका। तीसरा तरीका चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अपन डिब्बों के अंदर सामान डाल के रखते हैं तो छोटे छोटे डिब्बे खूब सारे हो जाते हैं किचन के अंदर, तो एक साथ डिब्बों के अंदर रख देते हैं तो चलिए खुद भी तो डालते, खुद को भी नहीं मिलता है, पर जैसे कोई बच्चों को और अपन बोलते हैं कि ये सामान लेके आना बेटा किचन से, तो उनको सामान नहीं मिलता है। तो ये मैंने तरीका अपनाया, जैसे डिब्बों के अंदर जैसे छोटी छोटी पर्ची पार के और उसके ऊपर सेलो टेप लगा के नाम लिख देते हैं, तो उनसे क्या होता है जैसे बच्चे ऊपर से नाम देखते हैं कि इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, तो ये सामान भी सारा मिल जाता है और कोई इधर उधर डिब्बों को भी नहीं बिखेरते। तो चलिए ये हो गया तीन तरीका। चौथा तरीका मैं आपको बताती हूँ, जैसे रबड़ बैंड ला के रखते हैं तो ये देखिए जैसे गर्मियों के अंदर रबड़ बैंड जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो वो स्टोर करके आपको कैसे रखना है। तो जैसे अभी तो मेरे पास चलिए थोड़ा ही है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे रबड़ बैंड ला के पैकेट और उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल के अच्छे से ऐसे मिक्स करके कोई डिब्बे के अंदर आप डाल के रख दीजिए, तो आपको जैसे ही आपको कोई चीज़ के अंदर यूज में लेना है तो आप डिब्बे से एक बैंड निकाला और यूज में ले सकते हैं। जैसे सर्दियों में तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, पर गर्मियों में बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है, एकदम एक चिपचिपा सा हो कि और ये टूट जाता है। तो ये तरीका है, रबड़ बैंड भी आप इसी तरह आप रख सकते हैं। तो मैंने क्या जैसे इसी तरीके से जैसे ये देखिए मसाले का डिब्बा होता है और होता है, तो उनके ऊपर रबड़ बैंड लगा के रख देती हूँ, तो ये नहीं कि इधर उधर कोई भी डिब्बा गिरा और मसाला इधर उधर बिखर जाता है, उसमें कोई सीलन वगैरह नमी वो भी नहीं आता है। तो पाँचवा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए जैसे अपन बर्तन साफ़ करते हैं, तो बर्तन जैसे साफ़ करके रखते हैं तो इधर ये सिंक भी ख़राब हो जाता है और ये स्लिप भी इधर से ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी जैसे मोटा टॉवल जैसे ख़राब टॉवल है वो ले लीजिए, उसके ऊपर आप कोई टोकरी रख लीजिए, जो आपके पास टोकरी आप जिसमें भी बर्तन रखते वो आप रख सकते। तो मैंने ये टोकरी रख लिया, इसके अंदर मैं बर्तन रखती हूँ हमेशा, तो जैसे नीचे टॉवल लगा के ऊपर इसके अंदर बर्तन रख लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो टॉवल के अंदर चला जाता है, और टॉवल को उठा के अच्छे से धो के वॉश करके टॉवल को धूप में सुखा दीजिए, तो आपकी स्लिप भी साफ़ रहेगी और आपका टॉवल भी साफ़ रहेगा। तो आपको देखिए मैंने पांच तरीका बताया, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।